हेलो एवरीवन, दिस इज लेसन 7 दी चाइल्ड। और ये लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। और इनका नाम आपने सुना ही होगा, ये एक बहुत ही फेमस इंडियन राइटर है। इन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों में ही लेख लिखे हैं। सो लेट्स बिगिन विद दी चैप्टर। और ये जो स्टोरी है वो बेस्ड है एक एम्प्लॉयर के ऊपर, जिसका एक सर्वेंट होता है फ्रॉम ब्राह्मिन कास्ट, उसका नाम होता है गंगू। तो गंगू जो होता है इस स्टोरी में, वो एक शादी करना चाहता है एक विडो से, एक विधवा से। और जो उनके एम्प्लॉयर होते हैं वो उसको बहुत वॉर्न करते हैं कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, शी इज नॉट अ गुड गर्ल, समथिंग लाइक दैट। बट उसके बावजूद भी गंगू वो शादी कर लेता है। उसके बाद भी जो उसका नरेटर होते हैं, जो एम्प्लॉयर होते हैं गंगू के, वो उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। ही हैज वेरी ग्रेट इंटरेस्ट इन हिज लाइफ। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टोरी नरेट की गई है। स्टोरी में दिखाया गया है कि जो सर्वेंट होता है गंगू, उसके पास कितना ज्यादा कंपैशन है, कितना ज्यादा एक्सेप्टेंस है दूसरे ह्यूमन बीइंग्स के लिए। ह्यूमैनिटी मतलब उसके अंदर कितनी ज्यादा है, इन स्पाइट ऑफ कि सोसाइटी आपके बारे में क्या कहती है, वो सब करने से उस चीज से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इवन देन वो अपना डिसीजन लेता है। सो नाउ लेट्स बिगिन विद दी चैप्टर। पीपल कॉल गंगू अ ब्राह्मण एंड ही कंसिडर्स हिमसेल्फ अ ब्राह्मण। तो लोग जो है गंगू को ब्राह्मण कहते हैं, पर वो है भी असलियत में एक ब्राह्मण ही। ही बिलोंग्स टू दैट कास्ट। माई ग्रूम एंड अदर सर्वेंट्स सैल्यूट मी इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस, गंगू नेवर डज। तो जो ग्रूम मीन्स जो घोड़े की देखभाल करते हैं, उन लोगों को कहते हैं ग्रूम, इज दैट पर्सन। और जो बाकी सर्वेंट्स हैं वो भी उनको सलाम करते हैं नरेटर को, बट गंगू जो है वो नहीं करता ऐसा कभी भी। परहैप्स ही एक्सपेक्ट्स मी टू ग्रीट हिम बाई सेइंग आई टच योर फीट। तो ऑथर इज सेइंग, जो नरेटर है वो कह रहे हैं कि उनको शायद ऐसा लगता है गंगू खुद चाहता है कि नरेटर ये काम उनके लिए करे, वो उनके पैर छू के उनको सलाम करे। He never touches a glass front when which I have drunk, and I have never dared ask him to fan me. तो जिस ग्लास में वो पानी पीते हैं गंगू उसको हाथ भी नहीं लगाता, और ऐसा करने के लिए नरेटर उसको कहते भी नहीं। When I am drenched in sweat and none of the other servants is around, Gangu does pick up the fan. और जब उनको बहुत पसीना आ रहा होता है और कोई बाकी सर्वेंट उनके आसपास नहीं होता है, तब गंगू फैन उठा के उनको शायद हवा कर देता है। बट द लुक ऑन हिज फेस इंडिकेट्स दैट ही इज डूइंग मी अ फेवर। पर जो जो गंगू के फेस पे जो एक्सप्रेशन होता है उससे ऐसा लगता है कि जैसे वो उन पे एहसान कर रहे हैं, नरेटर पे एहसान कर रहा है काम करके। फॉर सम रीजन आई ऑलवेज टेक द फैन फ्रॉम हिज हैंड इमीडिएटली। और किसी कारणवश भी ऐसा बोल सकते हो, तो नरेटर उसके हाथ से वो फैन ले लेता है। ही इज अ मैन ऑफ एक्सट्रीम्स। तो गंगू एक ऐसा इंसान है जो हर चीज़ को अति में करना पसंद करता है। He can't tolerate people's chatter. तो वो दूसरों का बोलना भी पसंद नहीं करता है। He must have very few friends. और उसके बहुत ही कम दोस्त होंगे। Perhaps he thinks it beneath his dignity to sit with the groom and other servants. तो शायद वो ऐसा सोचता होगा कि वो उसकी इज्जत के खिलाफ है वो अगर बाकी servants या फिर जो घोड़े की देखभाल करता है उस servant के साथ बैठना। I've never seen him socialize with anyone. तो उन्होंने कभी उसको दूसरों से मेल जुलाप करते हुए नहीं देखा। Surprisingly, he is not given to opium or hemp. और ये बहुत ही आश्चर्य की बात है, वो चरस या गांजा इन सब का भी कुछ सेवन नहीं करता है। This is an extraordinary virtue in men of his class. I have never seen him perform religious rituals or go for a sacred bath in the river. Despite being absolutely illiterate, he is still a Brahmin and wants the world to respect and serve him in recognition of this. तो ये जो चरस और गांजा लेना उसकी क्लास के लोगों के लिए बहुत ही अनोखी बात है, या फिर उनके में बहुत कॉमन है ये चीज़। और गंगू एक ब्राह्मण कम्युनिटी को बिलोंग करता है, उसके बाद भी वो कभी पूजा पाठ नहीं करता या फिर कभी किसी होली रिवर में बात करने भी नहीं गया। और दूसरी बात ये भी हैरानी वाली कि वो बिल्कुल ही इलिटरेट है, बिल्कुल ही अनपढ़ है। और इन सब चीज़ों के बाद वो चाहता है कि लोग उसको एक ब्राह्मण के रूप में जाने। And why shouldn't he? If people can not only retain control of property accumulated by their forefathers, but also derive status from it as if they had generated it themselves, why should he give up the respect and honor gathered by his forefathers? अब नरेटर ऐसा कह रहे हैं कि वो ऐसी सोच या ऐसी आशा क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि लोग क्या है, अपने पूर्वजों की जो संपत्ति उनको मिलती है उससे वो अगर वो सम्मान हासिल कर सकते हैं, तो अगर वो अपनी दौलत हासिल कर सकते हैं पूर्वजों से, तो जो उन्होंने जो मान सम्मान कमाया तो उसको भी वो लोग ले सकते हैं। आफ्टर ऑल दिस इज ऑल हिज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब उत्तराधिकारी। तो ये सब उसका उसको जो है मिला है अपने पिछले फोर फादर से। आई एम नॉट वन टू टॉक मच विद सर्वेंट्स। आई डोंट वॉन्ट एनी ऑफ देम टू कम एंड टॉक टू मी अनलेस आई कॉल देम। आई डोंट अप्रूव ऑफ हैविंग माई सर्वेंट्स एट माई बैक एंड कॉल टू परफॉर्म स्मॉल कोर्स।
तो जो नरेटर है वो एक ऐसे व्यक्ति नहीं है कि जो बार बार अपने सर्वेंट से ज्यादा बातें करें या फिर उनको हर छोटी छोटी चीज के लिए बुलाएं, या फिर वो ऐसा नहीं चाहते कि जब तक वो अपने सर्वेंट्स को बुलाएं, बुलाते नहीं तब तक वो उनके पास आए। आई फाइंड इट मच ईजियर टू पोर माई ओन ड्रिंकिंग वाटर, लाइट माई ओन लैम्प, वेयर माई ओन शूज एंड टेक आउट बुक्स फ्रॉम द कबर्ड माई सेल्फ देन टू कॉल फॉर इलिंगम और मैकू। तो ये अपने छोटे छोटे काम जैसे कि ग्लास में पानी डालना, अपनी बुक्स वगैरह लेके आना, लैम्प जलाना खुद से, तो ये काम वो अपने आप से करना पसंद करते हैं। दिस हेल्प्स मी फील ऑटोनमस एंड सेल्फ रिलायंट। तो इस चीज इस ये सब काम खुद करके जो नरेटर है उनको स्वतंत्र और आत्मनिर्भरता फील होती है। द सर्वेंट्स आर फेमिलियर विद माई टेम्परामेंट एंड रेयरली अप्रोच मी अननेसेसरीली। तो जो उनके घर में नौकर काम करते हैं उनको उनकी आदतों के बारे में पता है, इसलिए वो बेवजह उनको परेशान नहीं करते हैं और बिना जरूरत के उनके पास नहीं आते हैं वो लोग। सो वन डे व्हेन गंगू अपीयर्ड बिफोर मी अर्ली इन द मॉर्निंग आई वॉज नॉट एट ऑल प्लीज। तो एक दिन सुबह सुबह जब गंगू उनके पास आते हैं तो उस चीज से वो खुश नहीं होते हैं। वेन एवर दीज पीपल कम टू मी दे आइदर वॉन्ट एन एडवांस ऑन देयर वेजेस और दे वॉन्ट टू कंप्लेंट अबाउट अनदर सर्वेंट्स। तो जब भी कोई सर्वेंट उनके पास आता है तो उनको पता होता है या तो वो एडवांस मांगने आए या फिर किसी और दूसरे सर्वेंट के बारे में कंप्लेन करने आए हैं। आई डिसलाइक बोथ दीज थिंग्स। और जो नरेटर है उनको ये दोनों चीज़ें पसंद नहीं है। आई पे एवरी वन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ एंड आई गेट एंग्री वेन एनी वन आस्क फॉर एन एडवांस। तो वो कहते हैं कि वो जो महीने की पहली तारीख होती है उसी को सबकी सैलरी देते हैं और उसके बाद जब कोई एडवांस मांगने आता है तो उनको बहुत ही गुस्सा आता है। हु हैज़ द टाइम टू कीप डिटेल्ड अकाउंट्स ऑफ एडवांसेस गिवन। तो किसके पास इतना टाइम है कि अलग से एक अकाउंट बनाएगा कि किसको कितना एडवांस दिया है। वेन समवन इज पेड फॉर द होल मंथ वट राइट डज ही और शी हैव टू स्पेंड ऑल द मनी इन 15 डेज एंड देन आस्क इन एडवांस और अ लोन। तो वो कहते हैं कि जब सबको पता ही है अगर आपको सैलरी मिल रही है तो पूरे महीने के लिए मिल रही है और उसके बाद अगर आप उस चीज़ को 15 दिन में ही खत्म कर देते हो तो वो चीज़ आपकी गलती है। एंड आई हेट कंप्लेंट्स। और उसके बाद वो कहते हैं कि उनको कंप्लेंट करना भी बुरा लगता है। तो उनको नरेटर को शिकायतों से भी उतनी ही नफरत है जितना कि एडवांस देने से। आई कंसिडर कंप्लेंट्स अ साइन ऑफ वीकनेस और अ बेस अटेम्प्ट एट फ्लैटरिंग द एम्प्लॉयर। तो उनका मानना है कि जो कंप्लेन करना शिकायत करना एक कमजोरी का लक्षण है या फिर दूसरी क्या हो सकता है कि मालिक के आगे चापलूसी करना है कोई नौकर। तो दोनों चीज़ें बहुत ही घटिया है। आई सेड विद अ फ्राउन वट इज इट आई डेंट कॉल यू। तो बड़ा थोड़ा गुस्से में आके वो कहते हैं गंगू को कि क्या बात है और मैंने आपको नहीं बुलाया है। आई वॉज वेरी सरप्राइज टू सी गंगू शार्प प्राउड फेस लुकिंग माइल्ड प्लीडिंग एंड बैशफुल। तो ज़्यादातर टाइम पे जो गंगू है वो बहुत ही प्राउड या बहुत अभिमान वाला फेस बना के रखता था और इस बार क्या है उसका फेस बहुत ही विनम्र होता है जिसको देख के कि नरेटर हैरान हो जाते हैं। आई रिकंड ही वॉन्टेड टू से समथिंग बट वॉज अनेबल टू फाइंड राइट वर्ड्स। तो उनको लगा कि शायद वो कुछ कहना चाहता है बट उसके पास सही शब्द नहीं है अपनी बात कहने के लिए। समवट मोर माइल्डली आई आस्क्ड व्हाट्स द मैटर व्हाई डोंट यू स्पीक यू नो दैट दिस इज माई टाइम टू गो फॉर वॉक आई एम गेटिंग लेट। तो नरेटर को लगता है शायद वो उन्होंने गुस्से में उसको बोला तो शायद वो अपनी बात कह नहीं पा रहा तो वो उससे और विनम्रता के साथ पूछते हैं कि आपके साथ बात क्या है आप बोलते क्यों नहीं हो अगर कुछ ये मेरा टाइम है वॉक पे जाने का और वो लेट हो रहे हैं। गंगू सेड इन अ डिजेक्टेड टोन वेल देन यू गो आई विल कम लेटर। तो गंगू बहुत ही उदास भरे स्वर में कहता है कि अच्छा ठीक है आप चले जाइए मैं बाद में आ जाता हूँ। दिस वॉज इवन मोर वरीसम। तो ये बात सुन के ऑथर जो है और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। राइट नाउ सिंस आई वॉज इन अ हरी ही वुड हैव टू रश थ्रू हिज स्टोरी बिकॉज ही न्यू आई डेंट हैव मच टाइम। तो उनको लगता है कि इस टाइम पे जब उनको पता है कि मैं बाहर जाने वाला हूँ और मैं बहुत जल्दी में हूँ इस वक्त वो आके अपनी बात कहना चाहता है क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है उसकी बात सुनने का। इफ ही केम बैक लेटर देन द रिच वुड स्पेंड आवर्स ऑफ कंप्लेनिंग। और अगर वो बाद में आता है तो उसके पास बहुत सारा टाइम होगा तो वो बहुत देर तक कंप्लेन करता रहेगा। परहैप्स ही रियलाइजेज दैट आई एम वर्किंग व्हेन ही सीज मी रीडिंग और राइटिंग बट ही थिंक्स आई एम रेस्टिंग when I'm thinking, which is actually the hardest of all my tasks. That's when he'll come and bother me. तो narrator कहते हैं कि शायद उसको लगता है कि जब मैं reading कर रहा होता हूँ तो तभी शायद इन लोगों को लगता है कि मैं काम कर रहा होता हूँ पर ये लोग सोचते हैं कि जब वो कुछ सोच रहे होते हैं तब वो काम नहीं कर रहे हैं और उस टाइम पर वो आके उनको अपनी बातें कह सकते हैं। बट narrator कहते हैं कि वो उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल टाइम होता है जब वो कुछ सोच रहे होते हैं। तो
आई सेड अनकाइंडली हैव यू कम टू आस्क फॉर एन एडवांस, आई डोंट गिव एडवांसेस. तो उन्होंने बड़ी क्रूरता के साथ कहा कि क्या आप एडवांस लेने आए हो, मैं एडवांस नहीं देता हूँ. नो इंडीड सर, आई हैव नेवर आस्क फॉर एन एडवांस. तो उस पर गंगू कहता है कि नहीं सर, मैं एडवांस मांगने नहीं आया और ना मैंने कभी मांगा है. देन डू यू वॉन्ट टू कंप्लेन अबाउट समवन, आई हेट कंप्लेन. तो उसके बाद नरेटर कहते हैं कि आपको किसी के बारे में शिकायत करनी है, मुझे शिकायतें भी अच्छी नहीं लगती है. नो सर, आई हैव नेवर कंप्लेन अबाउट एनी वन. तो गंगू कहता है कि नहीं सर, मैंने कभी किसी की शिकायत नहीं की है. गंगू पुल्ड हिमसेल्फ टुगेदर. इट वॉज क्लियर फ्रॉम हिज एक्सप्रेशन दैट ही वॉज समनिंग अप हिज करेज व्हेन ही सेड हेजिटेटिंगली, प्लीज गिव मी परमिशन टू लीव, आई वॉन्ट बी एबल टू वर्क फॉर यू एनी मोर. तो गंगू ने अपनी सभी भावना को नियंत्रण में किया और फिर उसने अपनी सारी हिम्मत जुटा के बहुत ही हिचकिचाते हुए कहा कि वो अब काम नहीं करना चाहता है, प्लीज उसको छुट्टी दे दीजिए. दिस वॉज दी फर्स्ट सच प्रपोजल आई हैड एवर रिसीव्ड. तो उनके पास ऐसा ये प्रपोजल, ऐसा ये चीज पहली बार किसी ने बोली थी. माई सेल्फ रिस्पेक्ट वॉज वाउंडेड. तो ये बात सुन के उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है. आई कंसिडर माई सेल्फ एन एम्बॉडीमेंट ऑफ ह्यूमेननेस. I never speak sharply to the servants. I try my best to keep my dominance sheathed. Why wouldn't I be surprised at this announcement? तो नरेटर खुद को दयालुता का अवतार मानते हैं, खुद को बहुत ज्यादा दयावान समझते हैं. तो उन्होंने कभी भी तीखे स्वर में अपने सर्वेंट से भी बात नहीं की है और वो अपनी डोमिनेंस को भी हमेशा छुपा कर रखने की कोशिश करते हैं. तो वो ऐसी प्रार्थना पे या ऐसे अनाउंसमेंट पे सरप्राइज क्यों नहीं होंगे, ऐसी घोषणा पे वो हैरान क्यों नहीं होंगे. I said sternly, why, what do you have to complain of? तो उसके बाद उससे बहुत ही गंभीर स्वर में नरेटर पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है आपको यहाँ पे, क्या शिकायत आप करना चाहते हो, मतलब आपको क्या शिकायत है मुझसे. Sir, no one could be as good natured as you, but things have so developed that I cannot remain here any longer. I don't want anything to happen to give you a bad name. I don't want your reputation to be sullied because of me. इसके बाद गंगू कहता है कि जितने अच्छे स्वभाव के नरेटर हैं उससे अच्छा और कोई हो नहीं सकता है, परंतु जो परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई हैं कि वो वहाँ पे और काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वहाँ पे ऐसा कुछ हो जिससे कि उनकी बदनामी हो और वह नहीं चाहता कि उनकी वजह से उनका नाम खराब हो. सो इस वीडियो में हम यही तक करते हैं. आई विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे.